हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा पेरा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर को समझने के लिए, जैसे कि हमने पहले दो मटीरियल्स लिए थे, वन इज लेड एंड अदर इज स्टील। सो ये जो मटेरियल्स है, अगर हम इन दोनों मटेरियल्स के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं अप टू सर्टेन लिमिट तक, तो जैसे जैसे हम लोग उसको रिड्यूस करते जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी रिड्यूस होता चला जाता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिसमें रेजिस्टेंस विल बी कम्प्लीटली ज़ीरो एंड वी गेट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। So here, as temperature is decreased, resistance is also decreased. Clear? So temperature को कम करो, उसका ठंडा करो, resistance भी कम होता चला जाएगा। तो इससे हम लोग इसकी जो conductivity है उसको बढ़ा सकते हैं। So यहाँ पर ये जो temperature की हमने बात की, तो टेम्परेचर को कम करने से हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलते, तो देन दीज टू मटेरियल्स आर सेड टू बी सुपर कंडक्टर। कब सुपर कंडक्टर बोलेंगे? कि जब इसका टेम्परेचर हमने इतना डिक्रीज कर दिया कि जो रेजिस्टेंस है इट विल बी ज़ीरो एंड कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट, देन दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सो ये हमारे सुपर कंडक्टर्स हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट अगर हम लोग मर्क्यूरी की बात करें, सो जो मर्क्यूरी है वो 4.2 केल्विन से अगर नीचे टेम्परेचर ले जाएंगे मर्क्यूरी का, सो इट विल बी बिहेविंग एज सुपर कंडक्टर्स, तो वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। फिर नियोबियम, और दी थर्ड वन दैट इज लेड। तो नियोबियम में भी अगर हम उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन करवा दे, सो इट विल बिकम नाउ 72। कितना टेम्परेचर ले जाना है? 72 से भी नीचे, और यहाँ पर लेड में 9.2 केल्विन से भी नीचे। तो ये मटेरियल के हिसाब से सबके टेम्परेचर डिफरेंट हो गए। जो भी सुपर कंडक्टर्स एक्वायर करेंगे उनके अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग उनके टेम्परेचर भी डिफर करेंगे। सो हियर वी गेट सुपर कंडक्टर्स। अब ये जो टेम्परेचर है, अगर डिग्री सेल्सियस में इसको फाइंड करना चाहे तो कितना होगा? माइनस अप्रोक्सी 269 अराउंड होगा। यहाँ पर माइनस 262 लिख लो, बहुत ही कम, यहाँ पर माइनस 260 लिख लो, है ना? तो अराउंड डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर मिलेगा। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो माइनस में 200-200, 250-250 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि बहुत ही ठंडा करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इतना ठंडा करेंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा ही हो जाएगी। तो सुपर कंडक्टर से हमें जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बट उससे ज़्यादा तो यहाँ पर कॉस्टिंग हो जाती है। तो इसीलिए सुपर कंडक्टर्स अभी हमने इतना डेवलप नहीं किया, बट एक एलॉयज ऐसी है कि जिसको हमने बहुत ही कम टेम्परेचर में भी सुपर कंडक्टिविटी उसको सुपर कंडक्टिविटी बना दिया, और वो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 173 डिग्री सेल्सियस है, बट फिर भी ये बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, ये भी बहुत ही कॉस्टिंग में ज़्यादा होगा। तो अभी भी इस पे काम चल रहा है, बट अगर सुपर कंडक्टर्स हमें मिल गए सो उसके बेनिफिट बहुत ही लाजवाब होंगे। जैसे कि अब हम जो भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप्स, तो हमारे अगर सुपर कंडक्टर सक्सेसफुल हो गया तो हमारे जो लैपटॉप्स है, वो जो कंप्यूटर्स है, वो सिर्फ सेंटीमीटर की साइज़ का हो जाएगा। अगर सुपर कंडक्टर हो गया तो बड़ी बड़ी चिप्स हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, वो ख़त्म होके सिर्फ एक वायर की रह जाएगी। सो
तो एक वायर से ही पूरा कंप्यूटर चल सकता है अगर सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल हो गए इजीली, तो अगर उसमें कुछ रिसर्च हो गया तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे लाजवाब बेनिफिट्स होंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक सुपर कंडक्टर्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर टिल दी एंड। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।